सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। और दोस्तों ये है सिंगर का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जिसके एरर कोड आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जो भी एरर कोड आता है तो हम आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है। और दोस्तों इस वक्त E0 एरर कोड जो है वो यूनिट के डिस्प्ले पर आ चुका है। तो जब भी इनडोर के जो इनडोर है उसके डिस्प्ले पर E0 एरर कोड आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है और ये किस वजह से आता है, तो दोस्तों हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ ये बताते हैं। तो चलते हैं, तफसील शुरू करते हैं। तो एरर कोड ये इस वक्त आता है कि जब आपके आउटडोर और इनडोर के दरमियान बातचीत ख़त्म हो जाए, रबता ख़त्म हो जाए, तो ये एरर कोड आ सकता है। तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि जो इनडोर टू आउटडोर वायर कनेक्शन हैं इनमें से कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। अगर कोई लूज़ कनेक्शन है तो आप इसको ठीक कर लें, तो ये एरर कोड ठीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। और अगर इनडोर आउटडोर में कोई वायर लूज़ कनेक्शन हो गई है, देखें अगर लूज़ कनेक्शन है तो कुछ वक्त के लिए काम सही करेगी, लेकिन बाद में ये मसला कर सकती है, स्पार्क आ सकता है। तो सब वायर्स को टाइट कर लें और देखें वायर टाइट हो गई, अब ये परफेक्ट है, अब ये मसला नहीं करेगी। इसके अलावा आप इन तीनों वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि ये क्या इनकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है। और अभी इस वक्त हमने इनडोर को खोल दिया है, तो अब हम मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि इनडोर में जब E0 आ जाए तो क्या मसला हो सकता है। तो आए चलते हैं, हम आपको पूरा PCB बाहर निकाल के और इसकी मुकम्मल डेमोंस्ट्रेशन देते हैं। और दोस्तों देखें, अब हमने PCB को मुकम्मल तौर पर यूनिट से बाहर निकाल लिया और इसको टेबल पर सेटअप लगा दिया। तो देखें E0 फिर से जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोब्स को जो मल्टीमीटर ले लेना है, मल्टीमीटर लेके उसको DC वोल्टेज पे सेट कर लें। देखें DC वोल्टेज आ गए। अब इसको क्या करना है, आपने प्रोब्स को जैसे कि हमने हमारी वीडियो है कम्युनिकेशन क्या होता है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हल करें। तो देखें अगर डिस्प्ले पे ये जो मल्टीमीटर है इसके डिस्प्ले पे 24 वोल्ट आ जाएं, और इसका मतलब ये है कि आपका जो इनडोर है वो बिल्कुल ठीक है, वो आउटपुट निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आउटडोर है उसमें मसला हो सकता है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर तो यूनिट के जो यूनिट की अगर स्विचिंग रिले उसमें मसला है, आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो फिर भी ये आपको E0 एरर ही शो कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले सबसे पहले टच पिन से चेक कर लें कि आउटपुट निकल रहा है। देखें आप देखें ये लाइट जो है वो जल रही है, रेड हो रही है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट यहाँ पे मौजूद है और आउटडोर में मसला है। अगर ये आउटपुट यहाँ पर मौजूद ना हो और E0 एरर आ रहा हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्विचिंग रिले है इसमें मसला है। ये मैं आपको मुकम्मल तौर पे खोल के और दिखा देता हूँ, तो ये ख़राब हो सकती है, फिर इसको चेक करने की ज़रूरत है कि ये क्यों नहीं काम कर रही है। देखें दोस्तों ये इसकी स्विचिंग रिले है और देखें ये जो है ये इसकी स्विचिंग रिले है, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा इसमें 250 वोल्ट AC लिखा हुआ है और 12 वोल्ट DC पर ये काम करती है। और दोस्तों देखें हमने इस वक्त आउटडोर का PCB जो है वो उसको बाहर निकाल लिया है यूनिट में से, और आपको बताएंगे कि जब इसमें कोई मसला आता है तो आपको E0 एरर आ सकता है। तो देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये अगर ये भी ख़राब हो जाए तो उड़ जाए तो फिर भी ये E0 एरर दे सकता है। इसके अलावा कैपेसिटर्स ख़राब हो जाएं फिर भी हो सकता है, यानी कि इसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो जल जाए तो वो E0 एरर दे सकता है, जिसकी सूरत ये होगी कि जब कंपोनेंट जल गया और PCB बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो उस सूरत में आपको E0 एरर देगा। इसके अलावा IPM ख़राब हो जाए, रेक्टिफायर ख़राब हो जाए, IGBT डायोड कुछ भी ख़राब हो जाएगा तो ये PCB काम करना छोड़ देगा, जिससे कि E0 एरर आना मस्ट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आउटडोर PCB में PTC जो सेंसर है या थर्मिस्टर है वो लगा होता है, अगर ये भी ख़राब हो जाएगा तो फिर भी
जो यूनिट है वो आपको इंडोर डिस्प्ले पे E0 एरर शो कर सकता है। और PTC थर्मिस्टर या सेंसर क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें, तो फिर आपको ये सेंसर का मसला हल करना आसान होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें भी स्विचिंग रिले लगी होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखें, ये इसकी स्विचिंग रिले है जो कि 25 एम्पेयर 250 वोल्ट और जो 12 वोल्ट डीसी पे ये ऑपरेट होती है। तो अगर ये भी किसी वजह से ख़राब हो जाएगी तो फिर भी जो है वो E0 एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो होगा और आपका यूनिट जो है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा।